इतिहास के पन्नों में कई ऐसी रानियों के नाम दर्ज हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थीं। लेकिन आज हम आपको मिस्र की ऐसी रानी के बारे में बताने वाले हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। क्लियोपेट्रा ऐसी रानी थी जो सुंदर होने के साथ तेज दिमाग और षड्यंत्रकारी थी। कहते हैं कि उसने अपने आप को सांप से कटवाकर जान दे दी थी। तो चलिए जानते हैं खूबसूरत शातिर क्लियोपेट्रा की कहानी। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं फैक्ट फिक्शन। कौन थी क्लियोपेट्रा? क्लियोपेट्रा का नाम क्लियोपेट्रा सेवन था, जो मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फराओ थी। कहते हैं कि क्लियोपेट्रा ने 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया। क्लियोपेट्रा का जन्म मिस्र में 69 बीसी में हुआ। उसके पिता का नाम टॉलमी 12 ऑल्ट्स था। वो इतनी खूबसूरत थी कि लोगों की नजरें उससे हटती नहीं थीं। इसके अलावा वो कुशल रणनीतिकार, गुड कमांडर, मेडिकल ऑथर और कई भाषाओं की जानकार भी थी। ऐसे बनी मिस्र की रानी। बताते हैं कि जब क्लियोपेट्रा 17 साल की थी, तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। वसीयत के अनुसार क्लियोपेट्रा और उसका छोटा भाई टॉलमी डियोनिसिस दोनों को ज्वाइंट रूप से राज्य मिला। लेकिन मिस्र प्रथा के अनुसार क्लियोपेट्रा को अपने भाई से शादी करनी पड़ी। क्लियोपेट्रा का सपना था कि वो अकेले राज करे, लेकिन मिस्र की प्रजा इसके खिलाफ थी। इसी के चलते एक समय के बाद क्लियोपेट्रा से मिस्र का शासन छीन लिया गया। राज्य से हाथ धोकर उसे सीरिया भागना पड़ा। करीब एक साल बाद वो फिर से मिस्र लौटी और शासन के लिए भाई का सामना किया। शासन हथियाने के लिए जूलियस सीजर से मांगी मदद। क्लियोपेट्रा हर हाल में मिस्र पर शासन करना चाहती थी, इसके लिए उसने एक योजना बनाई। क्लियोपेट्रा ने जूलियस सीजर को राजी किया। सीजर की मदद पाने के लिए क्लियोपेट्रा ने अपनी खूबसूरती का फायदा उठाया। प्लानिंग के तहत अपने आप को एक कालीन में लपेट लिया। जब कालीन खुला तो क्लियोपेट्रा को देखकर सीजर की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो उसकी खूबसूरती से इतना प्रभावित हुआ कि जूलियस सीजर को क्लियोपेट्रा से प्यार हो गया। क्लियोपेट्रा की सुंदरता के जाल में फंसने के बाद सीजर उसकी तरफ से युद्ध करने के लिए राजी हो गया। इतना ही नहीं, वो क्लियोपेट्रा को अपनी रानी बनाना चाहता था। जूलियस सीजर ने पूरे जी जान से टॉलमी से युद्ध लड़ा और आखिर में उसे मार गिराया। सीजर की मदद से क्लियोपेट्रा मिस्र की राजगद्दी पर बैठी और रानी बन गई। क्लियोपेट्रा के आदेश पर उसकी बहन अर्सिनोई की भी हत्या कर दी गई। जूलियस सीजर और क्लियोपेट्रा का संबंध। इस दौरान सीजर मिस्र में ही रहने लगा। दोनों के बीच प्यार इतना बढ़ गया था कि क्लियोपेट्रा ने सीजर के बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम टॉलमी सीजर रखा गया। कुछ लोग उसे सिजेरियन कहकर भी पुकारते थे। वहीं लोगों का कहना है कि क्लियोपेट्रा और रोमन सम्राट जूलियस सीजर का विवाह नहीं हुआ था। दोनों बिना शादी के साथ रह रहे थे, लेकिन रोमन के लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रोमन जनता ने इस रिलेशन का लगातार विरोध भी किया। क्लियोपेट्रा को पाने के लिए हुई कई लड़ाइयां। क्लियोपेट्रा इतनी खूबसूरत थी कि उसके चर्चे हर जगह थे। हर कोई उसे पाना चाहता था। इसी वजह से क्लियोपेट्रा को पाने के लिए न जाने कितने युद्ध हुए, लड़ाइयां लड़ी गईं। क्लियोपेट्रा भी इतनी शातिर थी कि वो अपने काम के लिए लोगों को अपने हुस्न से दीवाना बना लेती थी। जो भी उसे देखता घायल हो जाता। रानी को पाने की चाहत में न जाने कितनों ने अपनी जान गंवा दी और कितने लोगों की उसने जान भी ले ली। क्लियोपेट्रा के ब्यूटी सीक्रेट्स। अगर आप चाहें तो क्लियोपेट्रा की खूबसूरती का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उसके नाम पर कई सारी वेबसाइट्स हैं जो अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स और आर्टिकल्स बेचती हैं। आप एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। इसके लिए जब आप गूगल पर क्लियोपेट्रा सर्च करेंगे तो आपको क्लियोपेट्रा ब्यूटी के नाम से ब्यूटी पार्लर और आर्टिकल्स मिल जाएंगे। क्लियोपेट्रा में कुछ तो बात होगी जो आज भी लोग उसके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मार्क एंटोनी से हुई मोहब्बत। रोमन शासक जूलियस सीजर की मौत के बाद रानी क्लियोपेट्रा की जिंदगी में मार्क एंटोनी नाम का एक शख्स आया, जो रोमन पॉलिटिशियन और जनरल था। जब एंटोनी ने क्लियोपेट्रा को देखा तो वो उसे दिल दे बैठा। वह रानी की खूबसूरती का दीवाना हो गया था। क्लियोपेट्रा को एंटोनी से 3 बच्चे हुए। सिविल वॉर। रोमन में एक युद्ध लड़ा गया जो रोमन रिपब्लिक का आखिरी युद्ध था। इसे सिविल वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ये युद्ध एंटोनी और ऑक्टेवियन के बीच लड़ा गया, जिसमें क्लियोपेट्रा ने भी एंटोनी का साथ दिया। दोनों ने इस युद्ध को लड़ने में जी जान लगा दी, लेकिन आखिर में वो ऑक्टेवियन की फौज के सामने नहीं टिक पाए।
दरअसल ऑक्टोवियन ने अफवाह फैला दी थी कि क्लियोपेट्रा ने आत्महत्या कर ली है। ये सुनकर एंटोनी ने मौत को गले लगा लिया। उसने तलवार से अपनी जान ले ली। जैसे ही क्लियोपेट्रा को एंटोनी की मौत की खबर लगी तो उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। मौत को लेकर संदेह। इतिहासकारों का कहना है कि रानी क्लियोपेट्रा ने खुद को जहरीले सांप से डसवा कर अपनी जान दे दी। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मादक पदार्थों के सेवन से क्लियोपेट्रा की मौत हो गई। इस तरह 12 अगस्त 30 बीसी को क्लियोपेट्रा की मौत हो गई। आज भी क्लियोपेट्रा की मौत रहस्य बनी हुई है। हालांकि रानी की मौत को लेकर अभी भी संदेह है। साहित्य में मिली जगह। क्लियोपेट्रा जीते जी तो प्रसिद्ध थी ही, लेकिन मरने के बाद भी लोग उसके दीवाने थे। कई कलाकारों ने उसकी खूबसूरती के चित्र बनाए, मूर्तियां बनाई। यही नहीं, कई बड़े साहित्यकारों ने उसे अपनी राइटिंग में जगह दी। इंग्लिश लिटरेचर के शेक्सपियर, ड्राइडन और बर्नार्ड शॉ ने अपने द्वारा लिखित नाटकों में रानी के जीवन से जुड़ी घटनाओं का वर्णन किया। क्लियोपेट्रा पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। ब्यूटी विद ब्रेन। क्लियोपेट्रा न सिर्फ खूबसूरत रानी थी बल्कि वो काफी बुद्धिमान भी थी। वो तेज दिमाग, कुशल राजनीतिकार होने के साथ 5 भाषाओं की जानकार थी। इसी वजह से वो किसी को भी अपना निशाना बना लेती थी। अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर उसने कई लोगों की मदद से शासन भी किया। अपने शासन के लिए क्लियोपेट्रा को न जाने कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। सुंदरता के लिए गधी का दूध। कुछ लोगों का कहना है कि क्लियोपेट्रा अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए गधी के दूध का इस्तेमाल करती थी। नहाने के लिए वो रोजाना करीब 700 गधी का दूध का इस्तेमाल करती थी ताकि उसकी त्वचा खूबसूरत बनी रहे। इसी के चलते गधी के दूध को लेकर रिसर्च भी की जा रही है। रानी के मूल निवासी होने पर संदेह। क्लियोपेट्रा मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फराओ थी। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि वो यूनानी मूल की थी, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर संदेह जताया। कुछ लोगों का मानना है कि क्लियोपेट्रा अफ्रीकी थी, तो कुछ का मानना है कि वो कॉकेशियस या यूनान से थी। विशेषज्ञों की माने तो उसकी बहन के अवशेषों के आधार पर यह पता चला है कि उसके भाई बहन आधे अफ्रीकी थे। यानी क्लियोपेट्रा यूनानी कॉकेशियन नस्ल की नहीं बल्कि आधी अफ्रीकी भी थी। लेकिन आज भी इस पर रिसर्च जारी है। खैर जो भी हो, लेकिन क्लियोपेट्रा बेहद सुंदर, समझदार, रणनीतिकार थी जिसे लोग आज भी पढ़ना पसंद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।